रिव्यू शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। रिव्यू शेयर करेंगे इसका गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, जो कि एक वाइटनिंग क्रीम है, पाकिस्तानी ब्रांड की है। इसके बारे में रिव्यू शेयर करूँगी आपको कि ये कैसी क्रीम है, इसकी प्राइस क्या है। प्राइस इसकी है 300 रुपीज़ में, ये मुझे मिली है अभी। पहले 250 रुपीज़ थी इसकी प्राइस और अभी इसकी भी प्राइस इंक्रीज़ हुई है, ये 300 रुपीज़ में मुझे मिली है। और पैकेजिंग की अगर बात करें तो ये कुछ इस तरह, पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो इस तरह से इसकी गोल्डन पैकिंग है, ये आप देख सकते हैं। साइड पे इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशनड है, आप इनको भी देख सकते हैं। इसमें एक्टिव वाइटनिंग ऑर्बिटिन है, कॉजिक एसिड है, सनस्क्रीनिंग एजेंट्स हैं और क्रीमी बेस है। और साइड पे इसके जो है इसकी प्राइस और वेट मेंशन है, 28 ग्राम अमाउंट है इस प्रोडक्ट की, और साथ ही इसकी प्राइस मेंशन है। इसके साथ इसकी बॉटल में जो है हमें एक लीफलेट दिया जाता है जिस पर ये तरीकाकार मेंशन होता है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्लेम करते हैं कि जी आप इसे 7 डेज तक कंटिन्यूटी से अगर यूज़ करेंगे तो ये आपकी स्किन का जो कलर है उसको लाइट और ब्राइट करना शुरू कर देगी और ये आपके एक्ने ब्रेकआउट्स वगैरह को भी थोड़ा कम करेगी। लेकिन जहाँ तक मैंने इसको नोट किया है वो ये है कि इसका जो टेक्स्चर है वो थोड़ा, टेक्सचर मैं आपको इसका दिखा देती हूँ, इसका टेक्सचर जो है थोड़ा ऑयली है, हैवी टेक्सचर है, थोड़ा सा टाइम लेती है एब्जॉर्ब होने में। मैंने यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा हैवी टेक्सचर है, ऑयली टेक्सचर में है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है एब्जॉर्ब होने में। तो इसकी वजह से जो है ये ऑयली स्किन वाले जो लोग हैं वो इसको यूज़ करें, यूज़ ना करें तो बेहतर है। अगर वो यूज़ करना भी चाहते हैं तो वो इसको एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके लगाएं ताकि वो उनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ऑयल की वजह से एक्ने ब्रेकआउट्स ना हों। और जिन लोगों की स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है वो लोग क्या करें, वो इसके साथ निविया जो है, निविया सॉफ्ट क्रीम और कोई भी मॉइस्चराइज़र लेके उसके साथ थोड़ा सा मिक्स करके इसको लगाएं ताकि उनकी स्किन को मज़ीद ड्राई ना करें। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोजिक एसिड वाली कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं तो उसके साथ आप सनस्क्रीनिंग एजेंट, कोई भी मेडिकेटेड सनस्क्रीन अच्छी कंपनी का वो आप ज़रूर यूज़ करें ताकि आपकी स्किन को जो है वो मज़ीद ख़राब ना करें। क्योंकि ये जो वाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर कुछ जो है अमाउंट मरकरी और स्टीरॉइड्स की ज़रूर होती है। कोई भी क्रीम अगर ये क्लेम करती है कि उनके मरकरी और स्टीरॉइड्स बिल्कुल भी नहीं है तो वो गलत क्लेम है, क्योंकि थोड़ा या बहुत तो ज़रूर यूज़ किया ही जाता है इसके अंदर। और अगर दूसरी बात करेंगे इस क्रीम के बारे में, जितना सुनने में आया है कुछ लोग बहुत टाइम से इसे यूज़ कर रहे हैं तो भी उनकी स्किन पे कोई वो ऐसा कोई बुरा इफेक्ट नहीं आया, बल्कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और यंग है। ये सूट करने की भी बात है, कुछ लोगों को ये सूट करती है और कुछ लोगों को सूट नहीं करती। एक और बात जो आपके साथ शेयर करूँगी वो ये है कि इस क्रीम को जब फार्मूला क्रीम में यूज़ किया जाता है तो काफ़ी सारे लोग इसके साथ स्टेरॉयडल क्रीम्स मिक्स करके फार्मूला तैयार करते हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ख़राब है। अपनी स्किन को ख़राब मत कीजिए, ये स्टेरॉयडल क्रीम्स के साथ मिक्स करके इसे कभी भी स्किन पर मत लगाइए। हाँ, आप इसे सिंगल यूज़ करें तो ये आपकी स्किन के लिए ठीक है, एक सेफ साइड पर रहते हुए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे स्टेरॉयडल क्रीम्स के साथ मिक्स करके लगाएंगे तो फॉर टाइम बीइंग वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा साफ शफाफ बना तो देगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद दोबारा से आपकी स्किन वैसे ही एक्ने ब्रेकआउट्स के साथ मतलब डबल ख़राब हो जाएगी। तो प्लीज़ इसको सेफ साइड पर रहते हुए यूज़ कीजिएगा। दूसरी बात ये है कि इसको जब 7 डेज के बाद आप यूज़ कर लें तो उसके बाद जैसे ही आप देखते हैं कि आपके कलर में या स्किन टोन में कुछ फ़र्क आना शुरू हुआ है तो उसके बाद आप इसका इस्तेमाल छोड़ दें और फिर आप इसे जो है अल्टरनेटिव डेज़ में 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 दिन लगा लें ताकि ये जो है कि आपकी स्किन को सही रखे, मतलब नीट ही रहे। आप इसको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। अगर आप ऐसा कहें कि 7 to 8 days या 1 month आप लगाने के बाद आप इसे छोड़ देंगे और फिर भी आपका स्किन टोन ठीक ही रहेगा तो इस तरह से नहीं है। ये आपकी स्किन को जब आप इसे लगाना शुरू करेंगे तो फिर आपको इसको कंटिन्यू करना होगा, मतलब आपको इसको ऑफ एंड ऑन लगाते रहना होगा। जैसे ही आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो फिर आप इसको ऑफ एंड ऑन यूज़ करते रहेंगे। तो आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में।
मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद जिस भी चीज़ का रिव्यू आप देखना चाहते हैं कमेंट्स में उसका ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ब्यूटी चॉइस। कैसे हैं आप सब? दुआ और उम्मीद यही है कि आप खैरियत से हों, अल्लाह ताला आपको यूं ही हंसता मुस्कुराता और खैरियत से रखे। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी वो है गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम।